भाइयों बहनों, पांच चरणों के चुनाव के बाद सबके सामने रुझान बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पांच चरणों में ही पूर्ण बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। तीसरे चरण से ही ये रुझान आने प्रारंभ हो गए थे और यही कारण है कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपने टिकट बुक कराने शुरू कर दिए। जब सातवां चरण का चुनाव संपन्न होगा तो भाइयों बहनों, आप देखना कि 8, 9 और 10 मार्च को तमाम विपक्षी दलों के नेता जो पिछले 2-3 महीनों से काफी बिलबिला रहे थे, ये सभी विदेश भागते हुए नजर आएंगे या फिर नेपाल और बिहार की तरफ लोग रुख करेंगे। आप देखना, ये होने वाला है। आज भी छठे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याणकारी योजनाओं और विकास की योजनाओं पर माताओं ने, बहनों ने जिस उत्साह के साथ अपनी सहभागिता निभाई है वह बड़ा उत्साहवर्धक है। और इसलिए जब मैं आज वाराणसी की एक विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान के लिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, काशी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई पहचान दिलाई है और काशी न केवल एक प्राचीन सांस्कृतिक नगरी है बल्कि अपनी परंपरागत सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए नए कलेवर के रूप में कैसे स्थापित होना चाहिए, आज काशी को देख करके हम सब अनुमान लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत वैश्विक मंच पर सम्मान पा रहा है। उत्तर प्रदेश विकास की नई कहानी रच रहा है और काशी को एक नई पहचान मिल रही है। अभी शिवरात्रि परसों व्यतीत हुआ है, परसों ही शिवरात्रि थी। काशी विश्वनाथ धाम, आपने देखा होगा, ये नई कैसा काशी की एक नई पहचान बन चुकी है। भाइयों बहनों, काशी में आज सब कुछ है जिसकी तमन्ना आजादी के बाद से काशीवासियों को थी और इसीलिए आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जब बना रहे हैं, उन स्थितियों में मैं आज आपके पास पिंडरा में आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 में भी मैं आपके पास आया था और 2017 में मैंने आपसे कहा था कि भाइयों बहनों, जिन लोगों ने आप सबके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, वे लोग आपके देशी नहीं हो सकते। छद्म नाम से लोग चुनाव मैदान में आ रहे हैं, पेशेवर माफिया और अपराधियों का सहयोग लेकर के आ रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के महापुरुषों का सम्मान रखा,
तीर्थों का पुनरुद्धार के कार्य का हाव को हाथ में लिया। आज उत्तर प्रदेश में जब विकास की बात होती तो एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इनलैंड वाटरवे, ये सभी मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित होता उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन जब विकास की बात होती तो भाइयों बहनों अयोध्या सज रही है, काशी भव्य हो रही है, मथुरा वृंदावन अपने नए रूप में एक बार फिर से दुनिया के सामने जगमगाती हुई दिखाई दे रही है, विंध्यवासिनी धाम अपने नए स्वरूप में आ रही है। और उन स्थितियों में एक तरफ तीर्थस्थलों का विकास हो रहा है और दूसरी ओर हम लोग कहीं पर सीर गोवर्धन के विकास के आधार पर संत रविदास जी की उस जन्मभूमि के सुंदरीकरण के कार्य को हाथ में ले रहे हैं, कहीं पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है, कहीं लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक के निर्माण की कार्रवाई चल रही है, बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है। लेकिन क्या सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारों के समय यह हो पाया था क्या? भाइयों बहनों, जब सपा बसपा के नेताओं से पूछो कि उनका विकास क्या है तो उनके सामने एक ही जवाब निकलता है, वो केवल कहेंगे कि हमने ही विकास किया है। उनसे पूछा जाता कि आखिर कौन सा विकास किया है तो भाइयों बहनों वे एक ही बात कहते हैं, हमने विकास किया है। आखिर विकास क्या है तो जब उनके सामने कोई उत्तर नहीं होता तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमने विकास किया है। तो विकास क्या है तो कहते हैं हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराया है। यानी विकास के लिए उनके पास गिनाने के लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल है, लेकिन हमारे पास एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेस हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा भाइयों बहनों, यही वैक्सीन अगर सपा बसपा की सरकार होती तो मार्केट में ब्लैक हो जाती, आपको नहीं मिल पाती। वैक्सीन का पैसा तो नहीं मांगा किसी ने। और मुझे बताओ कोरोना कालखंड में हर महीने दो बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, दाल तेल नमक ये भी मिल रहा है। 2017 के पहले मिलता था क्या? 2017 के पहले कहां जाता था पैसा? 2017 के पहले भाइयों बहनों यही पैसा सपा बसपा के कांग्रेस के नेताओं के ग्रुपों के पास चला जाता था, गरीब के पास नहीं जाता था। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों ये तो एक झलक है, अभी तो 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली को दो रसोई गैस के सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे। 60 वर्ष से ऊपर की हर माता बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे।
मेधावी बेटियों को, कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटियों को स्कूटी उपलब्ध करवाएंगे।